मैं आज बनाने जाने वाला गेमिंग पीसी में आ रखा हूँ नेहरू प्लेस में, वो भी पूरे के पूरे 5 लाख का मेरा खुद का ड्रीम पीसी मेरे सेटअप के लिए। जी हाँ, मजाक कर रहा हूँ, ये मैं गेम में बनाने वाला हूँ। ओ भाई, मारो मुझे। 5 लाख इतनी मेरी औकात नहीं और शायद मैं दिल्ली भी नहीं रहता। ये अच्छा नहीं। और मैं खेलने जा रहा हूँ पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर का सेकेंड पार्ट, जो कि अभी अभी नहीं आया, 1 साल हो गए लेकिन अभी तक किसी ने ट्राई किया नहीं। मैं सोचा चलो लेट्स बिल्ड द पीसी और आज इतना ज्यादा तगड़ा पीसी बनाऊंगा कि तुम सब बोलोगे भाई आप तो कतई एकदम पीसी बिल्ड वाले इंजीनियर के माफिक हो, तुम बस देखना भी गेम स्टार्ट हो जाने दो। अच्छा ओके, ये है अपना लोकल फायर सस्पिशियस द डेली न्यूज का न्यूज़पेपर। यहाँ पे मैंने करियर डायरेक्ट स्टार्ट कर रखा है। वेलकम टू पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर 2। ओके, इट्स अ न्यू डे न्यू शॉप। अंकल टीम का वही सिस्टम है गाइस, तो यहाँ से अपने को बेसिक्स दिखाया जा रहा है। ऐसे ऐसे हिलेगा, समझ रहे हो, क्या मिलेगा, ये सब ठीक है। इसके अगर बाहर नहीं जा सकते। बाकी इन्होंने ग्राफिक्स तगड़ा कर रखा है, फैन का जो मूव कर रहा है वो सर्कल, वो भी FPS काफी तगड़े है शायद से। और बैकग्राउंड में ये लोगों ने गाना लगा रखा है, तुमको अगर आ रहा है साउंड तो बड़ी थोड़ा सा लैग किया अभी, पता नहीं क्यों लैग किया। ओके, हम स्विफ्ट दबा का स्प्रिंट भी मार सकते हैं। Okay. तो गाइज यहाँ पे कहीं पे अपने अंकल टीम का जो ये है, क्या कहता है उसको, एक नोट है जो कि अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है मूव करना है बस, लेकिन मूव करने में मिल नहीं रहा, मेरे को देखना पड़ेगा अंकल टीम ने किधर रखा है अपने लिए नोट। हम लोग यहाँ से आए थे गाइस, हाँ ये रहा नोट, ये है नोट, इसको अपने को उठाना है। ये अंकल टीम ने जो भी लिखा है, कैसे भी लिखा है, आई डोंट केयर, सॉरी केयर करना चाहिए जिसको। और अब अपने को ओके, वहाँ पे कुछ डिब्बा है जो कि हाईलाइट हो रहा है वॉल हैक लगा के, तो इसके पास हमको जाना है और इसको उठान। ओ भाई, GTX RTX 3080 10 GB RAM 100 एंड ये जो भी है RTX 3080 काफी ज्यादा तगड़ा होता है, गेमर्स को पता है। हाँ, जो बड़े PC लेकर बैठे हैं उनको लगेगा कि भाई 480 दे देते, लेकिन हमारे लिए ये काफी है ना। चुप, बिल्कुल चुप। और यहाँ पे और एक डिब्बा ओके, इसको लेफ्ट क्लिक। ओ पीसी है क्या, ओके ये अपना वर्क बेंच है आई गेस, और इसको रखते कैसे, ओके ऐसे रखना है। और फिक्सिंग अ पीसी, अभी हम इसको फिक्स करने वाले हैं, तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्लिक टू वर्क ऑन पीसी। ओके, हमको ऐसे वर्क करना है, तो अपने को सबसे पहले रिमूव पार्ट करना है के ये बाहर का जो ग्लास होता है जिससे सब हाईलाइट होता है, तो अपने को उसके लिए पहले स्क्रू निकालना है, तो स्क्रू निकाल लेता हूँ मैं फटाफट से। ओके, पार्ट निकल चुका है, मिसिंग GPU, तो उसके लिए अपने को पहले यहाँ के जो पीसी लॉक है वो निकालने हैं। ओके, निकाल दिया आई गेस। ओके, यहाँ पे 2 स्क्रू है, इसको निकालने हैं। ओके लेट्स गो। और यहाँ पे और कुछ चीजें हैं, पीसी कवर कुछ है। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 पे है इंस्टॉल, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा अपने को आया है ओपन ग्राफिक कार्ड्स कैटेगरी, जो पे अपने पे अभी 1 पड़ा है जो कि अपने को डिब्बे में मिला है, इसको यहाँ पे लगा। ओके फिक्स, लेट्स गो। कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ पे जो हमने निकाला था लॉक उसको फिर से फिक्स कर देना है, और जो स्क्रू थे जल्दी से फिक्स कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी अपने को करनी पड़ेगी शायद से वायरिंग, जो कि यहाँ पे अबे इतने ज्यादा वायर्स होते हैं क्या, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओके, तो वायरिंग काफी ज्यादा डन हो चुकी है, आएगी सब क्या करना है अपने को। ओके, यहाँ पे ही जाना है और ये जो कवर हमने निकाला था वो वापस से लगा देना है, और इसके स्क्रू लगा देता हूँ। डन हो गया है गाइज, अब अपने को यहाँ से एग्जिट मारना है, ऑल डन। ओके ऑल डन, ये वाला अपना PC है जो कि शायद अपने ही काम में आने वाला है, काफी तगड़ा है, इसको पिक करना है और यहाँ पे अपने डेस्क पे रखना है जो कि यहाँ पे है। ओके, और इससे टर्न ऑन PC लिखा है, तो टर्न ऑन कैसे करना है, ऐसे करना है कि कुछ, अच्छा P से टर्न ऑन। ओके, DFL नाम से अपना PC का कुछ भी है। ओके, ओमेगा सिस्टम। ओके, ईमेल है भाई, रिफ्रेश नहीं कर सकते क्या। अबे यार, ये तो मेरा ही वॉलपेपर है भाई, ये विंडोज 10 कैसे आ गया भाई, मेरा ही वॉलपेपर है जो कि मेरे अभी फिलहाल के लिए जो कि मेरे मॉनिटर पे मतलब मेरे PC में है। इनबॉक्स में चलते है, यहाँ पे आ चुका है कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट एक बंदे की, उसका बजट पास बजट नहीं है, अपने को एक्सेप्ट करना ऐसे कह रहा है, लेट्स एक्सेप्ट ऑन द वे है। अब तब तक एक्सेप्टेड में जाते हैं। न्यू ईमेल है, यहाँ पे कुछ स्कैन लिखा है और इसको पिक करना। ओके फर्स्ट जॉब, ओके लेट्स गो, अपने को फर्स्ट जॉब मिल चुकी है। यहाँ पे अपने को देखना है PC में वायरस वगैरह है या नहीं, अपने को डायग्नोस करना है यानी कि चेकिंग करना है अपने वर्क बेंच पे। ये अपने को डिलीवरी आ चुकी है अपना वर्क बेंच, ये रहा, तो आई गेस यहाँ पे रखना है और PC को ऐसे खोलना है। वायरस स्कैनिंग कंटिन्यू, लेट्स गो। टूल्स में जाके अपने को USB ड्राइव यहाँ पे प्लेस कर दिया है, अब क्या करना है। ओके, ये कुछ सॉकेट्स है। ओके, इसको हम मूव भी कर सकते हैं कुछ ऐसे,
अपने को पीछे कनेक्ट करने है, इसको उठाना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है। ओके लेट्स गो। पीसी तो इसका तगड़ा है काफी ज्यादा, रेडी टू बूट आ रखा है, तो इसको पावर देते हैं। सिलेक्ट मॉनिटर, और मॉनिटर पे जैसे हम जाएंगे ओमेगा सिस्टम आ रहा है, और एड रिमोट प्रोग्राम। ओके वायरस स्कैन हो रहा है, जैसे कि हमने ये लगाया था अपना पेन ड्राइव, तो उसकी वजह से वायरस स्कैन हो चुका है। अब वापस ओपन करेंगे, स्टार्ट स्कैनिंग करेंगे, और यहाँ पे वायरस जो है वो स्कैन करेगा और हम क्लाइंट को बाद में पैसे लेके। तो गाइज यहाँ पे आ चुका है प्रोटेक्टेड, तो हम करते हैं एग्जिट, और मेरे को लगता है काम हो चुका है, तो नहीं प्लेस तो ओके, तो अभी इसको हमको प्लेस करना है, इसको अपने को उठाना है, और अपना यहाँ पे डिलीवरी स्टैंड है आई गेस, यानी कि यहाँ से पीसी लोग आते हैं और लेकर चले जाते हैं, तो ये अपना हो चुका है रेडी टू शिप, तुम लेकर जा सकते हो। बाकी अपने -$15 क्यों दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर में, तुमको वहाँ पे दिख रहा होगा वो मेरे को पता नहीं, बाकी और डिलीवरी नहीं आई अभी तक कोई एक्स्ट्रा। तो गाइज अपने को ईमेल, ओके अपने को $120 मिल चुके हैं स्कैनिंग के, और अपने को पेमेंट भी कम्प्लीट करनी है, मतलब कलेक्ट करनी है ऑनलाइन ईमेल पे। ओके फर्स्ट जॉब कम्प्लीट, यहाँ पे मेरे को आ चुका है वाटर कूल जीपीयू लगाना है, मेरे को ये करना है भाई। वाटर कूल मेरे पीसी में तो है नहीं, तो मेरे को ये करने का बहुत मन है। लेट्स गो गो टू द पीसी। ओके यही तो पीसी है, लेट्स गो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने को रिमूव करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको रिमूव कर देते हैं, स्क्रू मैं निकाल देता हूं। ओके यहां पे मेरे को जीपीयू भी निकालना है, आप क्या कर रिमूव RTX 3090 इसका जो है मेरे को निकालना है। अच्छा RTX को पीछे स्क्रू होते हैं, मेरे को आज पता चला। तो गाइस अपने को ये उठाना है, और ये है वाटर कूलिंग का बेंच भाई, डिफरेंट डिफरेंट बेंच है, पता नहीं क्या सिस्टम है। ओके तो गाइस ये वाला RTX के लिए अपने को लेना है वाटर कूलिंग, तो अपने को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें होगा वाटर कूलिंग इंस्टॉल। सबसे पहले भाई इतना ज्यादा बड़ा काम है, 8 stages का भाई वाटर कूलिंग। भाई इसमें सही में किसी ने वाटर फेंक दिया क्या भाई? वाटर कूलिंग यानी कि वो होता है ना कुछ लिक्विड कूलिंग। ओह गाइस ग्राफिक कार्ड खोल दिया है यहाँ पे पूरा का पूरा, कुछ खोलने हैं जो कि पुराने हो चुके हैं आई गेस, इसको निकाल देते। मेरे को बिल्कुल आइडिया है नहीं क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल हूँ नहीं। अपने को ऐड करना है न्यू थर्मल, अबे यार मेरा भी तो जीपीयू दे सकते हैं सब चीजों के लिए। ओके अब अपने को लगानी है थर्मल पेस्ट। ओके यहाँ पे पुरानी वाली निकालनी आई गेस, और नई वाली उस पर लगानी पड़ेगी, ये रही, और इसको बिल्कुल ऐसे बीच लोग ऐसे बीच में लगाते ताकि कूल रहे। बाकी लगा दी है मैंने, ये भी हो चुका है, बस सिलेक्ट जीपीयू। वाटर ब्लॉक का कुछ हमने लगा दिया है। ओके ओ भाई कितना तगड़ा लग रहा है, डन हो गया है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अब बचा है बस लास्ट वाला जो कि है सिलेक्ट जीपीयू कुछ है, तो ये सिलेक्ट जीपीयू ओके हो गया, नाइस वर्क, थैंक यू सो मच। जीपीयू मैंने उठा लिया है क्या आई गेस, उठा तो लिया है, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा। ओके तो ये था ग्राफिक कार्ड अपने पे जो था, इसको लगाएंगे यहाँ पे। अभी केबल्स वगैरह सब मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, देखते हैं अपने को इसके कितने डॉलर्स मिलते हैं। ओके ओके गाइज हम पाइपिंग भी कर रहे हैं इसमें, यार ये क्या सिस्टम है, मैंने तो ये सोचा कनेक्ट। अच्छा ऐसे ओके गाइज हम कतई पाइपिंग कर रहे हैं, ये देखो पीसी के अंदर से दिखाता हूँ मैं तुमको। अच्छा इधर एक कनेक्ट करना है, ओके तो आई गेस हो चुका है। पाइपिंग काफी ज्यादा खतरनाक है, बाकी जूम वूम करके हम अच्छे से देख सकते हैं। ओके कूलेंट, अब इसमें से कौन सा चूज करना है मेरे को पता नहीं, मैं कोई रैंडम सा कर दूं क्या? ओके अच्छा येलो कलर का वाटर कूल हो चुका है। ओ भाई एनिमेशन देखो। ओके गाइस कूलिंग तो सक्सेसफुल हो चुका है, पीसी जो है कैन बूट है यहाँ पे। मेरे को लगता है बूट करने के पहले अपने को कुछ ओके तो गाइस बूट करने के पहले मेरे को लगता है अपने को ऊपर का जो कवर है वो लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी नहीं। अच्छा पीसी पार्ट्स में जाना अपने को। ओके तो गाइस रिमूव्ड कंपोनेंट्स मेरे को मिल चुके हैं। पहले साइड पैनल नहीं, पहले तो साइड पैनल नहीं लगाता है मेरे को जितना पता है, पहले पीसी लॉक लगा लेना चाहिए। ओके गाइस डन हो चुका है, अब इसको अपने को बूट करना है, उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा ये वाले डेस्क पे जैसे पिछली बार हम गए थे। इसको मैं यहाँ पे रखूंगा तो शायद ये बूट हो जाए। ओके तो गाइस ये रही केबलिंग जिसको यहाँ पे अपने को लगाना पावर सप्लाई मेन। मैं सबसे पहले केबल लगा लेता हूँ क्योंकि तुमको देख के काफी ज्यादा बोर हो जाएगा। ओके गाइस रेडी टू बूट, लेट्स पावर इट ऑन। ओके पावर आ चुकी है, MSI का है भाई ये तो कतई। ओके गाइस मेरे को लगता है इस बंदे का काम हो चुका है, इसको करते हैं पावर ऑफ, लेट्स एग्जिट। और ये मैंने किया खुद से, इसको उठाते हैं और डिलीवरी के लिए रख देते हैं, कितना पेमेंट आएगा देखते हैं। अच्छा तो गाइस इसका अपने को मिलने वाला है $270, लेट्स गो।
आज तो बहुत तगड़ी कमाई हुई है गाइस, $270 यानी कि लगभग 20,000 से 25,000 रुपए होते हैं। तो गाइस अपने पे एक क्लाइंट आ रखा है जिसको करना है अपना CPU ओवरक्लॉक, यानी कि जरूरत से ज्यादा उससे पावर खींचनी, एक लिमिट होती है तो लिमिट कंपनी की लिमिट के बाहर जाना है, तो उसके अपने को मिलेगा $320। तो मेरे को लगता है हमने ये करना चाहिए क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो नॉट प्लग्ड इन, पहले तो ओवरक्लॉक करने के लिए मेरे को पता नहीं करना क्या है क्योंकि मैंने खुद ने कभी नहीं किया, तो ओके मेरे को लगा ये पहले केबल, क्योंकि अपने को बूट करना पड़ता है तो पहले केबल्स कनेक्ट करता हूँ। ओके तो गाइस F2 प्लस अपने को डेल दबाना है और खेई बायोस खुल चुका है अपना, तो सबसे पहले वेलकम टू बायोस, ओके सब कुछ लिखा है। अपने को जाना है CPU में, इसको क्लॉक करना कितना करना था भाई। ओके तो गाइस हो भी चुका है, मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया और लेट्स गो। सबसे पहले जितना लिमिट था उतना किया या नहीं मेरे को याद नहीं क्योंकि मैंने कुछ 4,000 कुछ किया है। तो गाइस ये OCCT जो है ये अपने को चेक करके बताता है कि स्टेबल है या नहीं। हम ऑन कर देते हैं तो देखो यहाँ पे GPU के सारे सिस्टम्स आ रखे हैं, GPU में कितना टेम्परेचर है क्या है, तो ये वेट पूरा 30 सेकंड टेस्ट करेगा, तो यहाँ पे अपने को वेट करना है तो मैं वेट कर लेता हूँ। ओके तो गाइस ये सक्सेसफुल था टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे थ्रॉटल्ड नाम का जो चीज़ है वो GPU में नहीं हुआ, इसका मेरे को पता तो नहीं क्या होता, लेकिन चलो ठीक है। तो अपना कंप्लीट हो चुका है, हम बैक आ सकते हैं। ओके डन हो गया है, इसके $370 कुछ मिलने वाले थे अपने को, तो लेट्स गो इसको भी रख देते हैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए, आप जाके ले जाइए और बाकी ईमेल खोल के देखते कितना पैसा मिलने। ओके $320 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने किया एटलीस्ट हमने 400 किया है कुछ, 4,400 टोटल बिल होता है, ले लेते भाई $600 हो गए, लेकिन हम अपने खुद के पैसे को खर्च कहाँ करेंगे। ओके यहाँ पे शॉप नामक चीज़ है कुछ, तो गाइस अपने PC पे है ये शॉप, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ओके तो गाइस हम अपना कस्टम बिल्ड भी बना सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं बनाना, हम करियर पे फोकस करते हैं, पर क्लाइंट्स को देखते हैं, एक और क्लाइंट को ले लेते हैं। ईमेल आया ही होगा किसी, भाई बहुत ईमेल आते हैं अपने को, इतना काम चल रहा है कि अपना इसका स्कैनिंग का है ये, अच्छा हो गया है ये काम। तो गाइस नेक्स्ट PC में अपने को करना है रेनबो इफेक्ट, तो मेरे को पता नहीं कैसे करते हैं, सिलेक्ट ऑल कॉम्पोनेंट्स। ओके तो गाइस मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे ब्रीद मेल क्या है भाई। ओके कॉन्ग्रेट्स भाई, इतने कम चीज़ का इतना पैसा भाई, चलो हो गया ना फिर काम, तो भाई काम ही हो गया भाई। इसको करो बंद भाई, इसको करो पावर ऑफ, ये भी डिलीवरी के लिए रेडी है और पैसा हमारा दे दो, चलो लेट्स गो लेट्स गो। $220 दिए उसने, पागल बनाया मैंने उसको भाई। ओके गाइस फिलहाल के लिए अपना लास्ट वाला कस्टमर जिसका पेंट केस रेड है कुछ, ये PC स्टैट्स क्यों बोल रहा है भाई, डायरेक्ट ले नहीं सकतेगा। ओके यहाँ पे है अपने को नामकरण करना है। ओके मैंने रख दिया है थोड़ा नाम अच्छा सा, लेकिन कंट्रोवर्शियल रह सकता है। ओके तो मैं रख रहा हूँ गेमिंग एम्पायर नेम, लेकिन मेरी सर्विस थोड़ी फास्ट होगी अनलाइक गेमिंग एम्पायर की, जो कि थोड़ी स्लो है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने ओके रीनेम कंपनी नेम इसका, अबे मैंने अभी तो किया भाई गेमिंग एम्पायर, अभी तो रखा भाई, बहरा है क्या। तो ओके तो जैक वाला मैंने रख दिया है, तो लेट्स गो जैक रेड हॉट रिपेयर्स। अब जैक इसलिए रखा मैंने क्योंकि ओके ये वर्कशॉप, अबे क्या ऑल डेलीज वर्क। ओके तो अपने को पे, अबे $400 अपने को रेंट पे रह रहे थे क्या हम लोग, एंड डे अपने को अभी नहीं करना, क्या कर दूँ मैं। ओके दिन खत्म, आज के काम इतने ही हैं, अब मॉर्निंग में नए काम आएंगे भाई, समझ रहे हो तुम, एकदम खतरनाक हो रखा है इस गेम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मेरे को लगता है भाई वेदर, भाई गेम के पिछले वाले से तो इसमें ग्राफिक्स ज़्यादा कर रखे हैं डेफिनेटली। और इसको मैं खोल सकता हूँ, नो PC इन द स्टोरेज, कोई दिक्कत नहीं, जंप नहीं कर सकते, मेरा बाहर जाने का बहुत मन है। ओके तो गाइस हम बाहर नहीं जा सकते, और ये कितना ज़्यादा कूड़ा है भाई, इसको अपने को प्रॉपर ऑफिस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई कस्टमर आ रखे है क्या, कस्टमर जी कोई है, कोई है, अच्छा अपना ईमेल यहाँ पे है ना। ओके तो गाइस पार्ट्स बजट $50, ओके एक आया है जो कि अपने को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेट्स गो कर लेते $170 कंटिन्यू। ओके अपने को शॉप में बाय करना है CPU कूलिंग। ओके मैंने बास्केट में, ओके टास्क ट्रैकर नामक चीज़ है। ओके तो गाइस चेकआउट का टाइम आ चुका है, मैंने बाय नाउ कर दिया है, कंटिन्यू करता है, इसको करते हैं बंद, और उसका PC आएगा भाई का, देखते हैं किधर है वो, ये वाला था ना PC, तो आ रखा है, लेट्स गो चेंज द वर्क। ओके तो गाइस अपने को बिल्ड मोड पे जाना है, तो अपने को बिल्ड मोड बेंच को भी यार अलग ही सिस्टम है भाई, रियल में जितना होता नहीं इनका इतना हो रखा है। तो जल्दी से करते हैं रिमूविंग शुरू, इसको पहले निकालते हैं ना।
ओके तो गाइस इसको कहते हैं केस मॉडलिंग। अच्छा गाइस अपने को कलरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आ रखा है आई गेस, और मैं गलत कर तो नहीं रहा ना भाई, क्योंकि पूरा केस की जगह पे मैं सबको ही ना कर दूं भाई। बैक बोथ साइड से करना है अपने को कलर भाई, अजीब ही शौक है इंसान के भाई, रेड कलर कराना है वो भी इतना ज़्यादा डार्क की भाई, मैं तो कैसे भी दे रहा हूँ भाई, मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ दे रहे हैं, सारी जगह पे दे रहा हूँ पेंट एकदम खतरनाक सा, कितना ज़्यादा स्मूथली काम कर लेता हूँ ना मैं। ये देखो भाई नीचे कुछ थोड़ा डार्क ज़्यादा है और ऊपर थोड़ा कम डार्क है, आई गेस पीछे पीछे बचा इसलिए 89% पे अटका है ये। अच्छा ऊपर भाई इसका अलग ही शौक है इस बंदे का, ऊपर भी उसको कलर चाहिए। ओके नाइस वर्क दोस्तों, काम हो चुका है आई गेस, सब पेंट रेड करना था और इसको उठा लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं, शायद हो गया काम, रेड ही तो करना था ना भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, पता चले मैंने गलत करके भेज दिया। ओके तो गाइस मेरे को लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही, इतनी ही रखते हैं, अभी बज रहे हैं रात के 3:30 अभी फिलहाल, ऊपर हो रहे 3:32 के आसपास, और मेरे को लगता है ये मेरे रियल टाइम पे, क्योंकि अभी मेरे घर पे भी हो रहे 3:31, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट टाइम है, शायद रियल लाइफ का टाइम गेम काउंट कर रही है। बाकी मिलता मैं तुमका नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब ठोक देना, मेरे नए चैनल का लिंक अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो उसको भी ठोक देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।